कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या देश में थमने का नाम नहीं ले रही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 48,661 मरीज सामने आए हैं, वहीं 705 और लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। इसके बाद कुल कोरोना केसों का नंबर 13,85,522 हो गया है। अब तक कुल 32,063 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। कुल केसों में 8,85,577 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, वहीं 4,67,882 केस फिलहाल एक्टिव हैं। इससे पहले शनिवार को 48,916 मरीज सामने आए थे, वहीं 757 लोगों ने जान गंवाई थी। फिलहाल देश का रिकवरी रेट 63.92% हो गया है। संक्रमित लोगों की कुल संख्या में विदेशी नागरिक भी शामिल है। यह लगातार चौथा दिन है जब कोविड-19 के एक दिन में 45,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। देश में कोविड-19 के लिए सैंपल्स की जांच की संख्या 1,60,00,000 के पार चली गई है। ICMR के मुताबिक 25 जुलाई तक 1,62,91,331 लोगों की कोरोना वायरस के लिए जांच की गई, जिनमें से 4,42,663 सैंपल्स की जांच शनिवार को की गई, जो कि एक दिन में जांच की सबसे बड़ी संख्या है। बीते 24 घंटे में जिन 705 लोगों की मौत हुई है, उनमें से 257 महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में 89, कर्नाटक में 72, आंध्र प्रदेश में 52, पश्चिम बंगाल में 42, उत्तर प्रदेश में 39, दिल्ली में 29, गुजरात में 22, बिहार में 14, झारखंड में 12, राजस्थान में 11 और 10 लोगों की मौत उड़ीसा में हुई। पंजाब और जम्मू कश्मीर में 9, मध्य प्रदेश में 8, हरियाणा में 7, केरल में 5, गोवा में 4, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी, उत्तराखंड और नागालैंड में 3-3, जबकि असम और लद्दाख में 1-1 मरीज ने इस कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद जान गंवाई है।